गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 8.2 का स्टडी करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का बेसिक हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। उसमें मैंने आपको पांच फॉर्मूले और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल वो सब समझाया था। तो उसमें से सबसे पहले हम वो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 8.2 में जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वाला टेबल जो था, उस टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम पहले करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8.2 में क्वेश्चन 2 जो है वो टेबल से रिलेटेड सम्स है उसमें, तो हम पहले क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2 के सम शुरू करने के पहले एक बार हम वो टेबल बोर्ड पर पूरी तरह से लिख लेते हैं, वो किस तरह से उसके वैल्यूज आते हैं वो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इसमें हम साइन कॉस टैन ये तीन रेशियोज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये पांच एंगल्स के वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब ये टेबल कैसे बनता है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, फिर भी और एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये साइन की वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है वो हम पहले देख लेते हैं। उसके लिए हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये 5 नंबर्स लेते हैं, 0 to 4। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड ईच नंबर बाय 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसका जो डिवीजन आएगा उसका आंसर लिखो नेक्स्ट स्टेप में। 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/4, 2/4 हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4 यानी 1/2, दिस इज 3/4 और ये 4/4 हो जाएगा 1। उसके बाद ये जो डिविजन्स आ गए इसके स्क्वायर रूट्स ले लो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये स्क्वायर रूट लेने से जो हमें नंबर्स मिल गए वो सभी साइन के वैल्यूज आ गए, हमें जो टेबल में साइन के वैल्यू चाहिए वो सभी साइन के वैल्यूज आ गए। सो साइन 0 यानी 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो इस तरह से ये सब प्रोसेस करने से हमें साइन के वैल्यूज मिलते हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन। ये सब आइडिया जो हम पूरी यूज करते हैं, 0 to 4 नंबर्स ले लो, 4 से डिवाइड करो, फिर डिविजन्स नोट करो, स्क्वायर रूट ले लो, इससे हमें साइन के वैल्यूज मिलते हैं। और फिर कॉस के वैल्यूज, ये साइन के वैल्यूज का यूज करके ही कॉस के वैल्यूज हम लिख सकते हैं। ये पूरे साइन के वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो हमें कॉस के वैल्यूज मिल जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में यानी लास्ट से लेके शुरू करो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो ये साइन के वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखने से हमें कॉस के वैल्यूज मिल जाते हैं, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब टैन के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने जो पांच फॉर्मूले स्टडी किए हैं उसमें एक फॉर्मूला है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम टैन के वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें टैन की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो ये 1/√3 आएगा। ये कैसे 1/√3 आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 हम करने जा रहे हैं, सो दैट विल बिकम 1/2 इनटू ये 2/√3 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रिमेनिंग। तो इस तरह से ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन 1 आएगा, इधर √3/2 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे तो √3 आएगा। इसी तरह से आप लोग करके देखो ये √3 आएगा। और 1/0 तो 1/0, 0 से कभी भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। तो इस तरह से tan 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो इस तरह से ये टेबल हमें बनता है। साइन के वैल्यूज किस तरह से हम फाइंड करते हैं इसके लिए हम आइडिया डेवलप किए हैं, और वो साइन के वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखो, कॉस के वैल्यूज आ जाएंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टैन के वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये टेबल हमें यूज करके वो पूरे सम समीकरण है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलो इसके बाद हम यहां
क्वेश्चन नंबर टू शुरू करते हैं। अब देखो ये टेबल का यूज करके अगर हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए, सपोज आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो देखो टेबल का यूज करो, साइन 30 डिग्री तो साइन के सामने 30 के नीचे कितना है वैल्यू, 1/2, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। उसी तरह से आपको साइन 60 चाहिए, साइन 60 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह से कॉस का कोई वैल्यू फाइंड करो, सपोज कॉस 45 आपको चाहिए, कॉस 45 कितना आ रहा है, 1/√2। इसी तरह से कोई टैन का वैल्यू आपको चाहिए, सपोज टैन 60 चाहिए, टैन 60 दैट इज √3। तो इस तरह से ये टेबल अगर हमें लर्न हो गया तो हम कोई भी वैल्यू उसमें से यूज कर सकते हैं, उसका यूज करके सॉल्व सम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस 8.2 का क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहां पर हमें 6 एग्जांपल्स करने हैं, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 2, फर्स्ट एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 टैन 45 डिग्री। सो दिस इज द गिवन एग्जांपल और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी यहां पर हमें साइन 30 का वैल्यू लगेगा जो हम टेबल से लेंगे साइन 30 का वैल्यू, और टैन 45 का वैल्यू लगेगा जो भी हमें टेबल से मिल जाएगा, और फिर वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें आ जाएगा पूरे सम का आंसर। अब ये सम सॉल्व करते समय हमें जो जो वैल्यूज यहां पर लगने वाली है वो यहां पर पहले हमारे आंसर में मेंशन करेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमें यहां पर लगने वाली है, साइन 30 की वैल्यू मिलती है 1/2। नेक्स्ट टैन 45 की वैल्यू हमें यहां पर लगने वाली है, टैन 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये दो वैल्यूज यहां पर हमें गिवन एग्जांपल का वैल्यू फाइंड करने के लिए लगने वाली है। चलो इसके बाद गिवन एग्जांपल, नाउ गिवन एग्जांपल इज 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 टैन 45 डिग्री। अब इसमें नीचे आंसर लिखते जाएंगे, 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू दैट इज 1/2 प्लस 3 एज इट इज इंटू टैन 45 का वैल्यू 1। तो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 करेंगे तो दैट विल बिकम 5/2 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3। नेक्स्ट अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, 5 वन जा 5 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड फाइनली 5 प्लस 6 11/2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन एग्जांपल। सो फाइनली वंस अगेन वी कैन राइट 5 साइन 30 प्लस 3 टैन 45 इक्वल टू 11/2 एंड देयरफॉर 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 टैन 45 डिग्री इक्वल टू 11/2 दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 हो गया, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज 4/5 टैन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। तो यहां पर टैन स्क्वेयर है साइन स्क्वेयर है यानी स्क्वेयर है, तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं, यहां पर हमें कौन सी वैल्यू लगेगी, टैन 60 की वैल्यू लगेगी। तो पहले वो वैल्यू मेंशन कर देते हैं, टैन 60, टैन 60 का वैल्यू है √3। नेक्स्ट साइन 60, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। इस तरह से टेबल पूरा लर्न हो जाएगा हमें, तो ये फटाफट वैल्यू हम एग्जाम में लिख सकते हैं। अब ये दो वैल्यू यहां पर हमें ये पूरा एग्जाम्पल की वैल्यू फाइंड करने के लिए लगने वाली है। हियर गिवन एग्जाम्पल 4/5 टैन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस
3 sine square 60 degree, that is equal to 4 upon 5 tan 60 का वैल्यू पहले लिखेंगे, tan 60 का वैल्यू रूट 3 है और उसका स्क्वायर प्लस 3 sin 60 का वैल्यू पहले लिखेंगे रूट 3 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर. नेक्स्ट 4 अपॉन 5 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन 4. नेक्स्ट 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाय 4. अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे जाना होगा. 12 4 जा 48 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 एंड दैट इज इक्वल टू, इसका एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 8 13 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 और 1 9 93 डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस इज द आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर गिवन एग्जांपल एंड देयरफॉर finally once again we can write that given example 4 upon 5 tan square 60 plus 3 sin square 60 degree is equal to value area 93 upon 20. So is tarah se ye second example bhi ho gaya. Iske baad karte hain third example. Chalo abhi third example karte hain. Third example is 2 sin 30 degree plus cos 0 degree plus 3 sin 90 degree. तो यहां पर तीन टर्म्स हैं, तीन रेशियो के वैल्यूज हमें यहां पर लगेंगे. आंसर sin 30 की वैल्यू हमें यहां पर चाहिए तो टेबल से साइन 30 की वैल्यू मिलती है 1/2. नेक्स्ट कॉस 0 की वैल्यू चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू है 1. नेक्स्ट साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू भी 1 है. तीनों वैल्यूज मिल गए. अब इसके बाद गिवन एग्जांपल लेंगे. नाउ दैट गिवन एग्जांपल इज 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 एज इट इज साइन 30 का वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस 3 एज इट इज इनटू साइन 90 का वैल्यू 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो गया. अब आगे ये 2 अपॉन 2 हो जाएगा तो 2 अपॉन 2 विल बिकम 1 प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3 1 plus 3 यानी 5 and this is the final answer. This is the value of given example and that means finally we can write 2 sin 30 degree plus cos 0 degree plus 3 sin 90 degree is equal to 5. तो इस तरह से third example भी हो गया. इसके बाद करते हैं fourth example. चलो अभी करते हैं एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 इज tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 प्लस cos 60. तो यहां पर डिग्री नहीं दिया, इसका मतलब डिग्री है ही वहां पर, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो यहां पर तीन रेशियो हमने वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो सभी वैल्यूज जो जो हमें लगने वाली है वो एक बार मेंशन कर देते हैं. tan 60, tan 60 का वैल्यू है रूट 3. देन आफ्टर sin 60, sin 60 का वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2 एंड cos 60, cos 60 का वैल्यू है 1 अपॉन 2. इस तरह से तीनों जो वैल्यू हमें लगने वाली है वो मेंशन कर दिए. नाउ given example tan 60 divided by sin 60 plus cos 60. This is the given example. Value substitute करेंगे, tan 60 का value root 3
डिवाइडेड बाय साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 प्लस कॉस 60 1 अपॉन 2। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन, ये न्यूमरेटर में रूट 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये 2 डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन दैट इज रूट 3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये रूट 3 एज इट इज इंटू ये जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये अभी रूट 3 प्लस 1 पूरा एक ही टर्म है, ये रूट थ्री यहां पर कैंसिल नहीं होगा, ये पूरा रूट थ्री प्लस वन एक ब्रैकेट है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई ए डिनोमिनेटर दैट इज रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारे गिवन एग्जाम्पल की वैल्यू है एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 या 1 प्लस रूट 3 भी उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी एग्जांपल 5 करते हैं। एग्जांपल 5 इज कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज द फिफ्थ एग्जांपल। अब यहां पर हमें दो रेशियो लिखेंगे, कॉस 45 एंड साइन 30। तो पहले आंसर में वो रेशियोज की वैल्यूज मेंशन करेंगे, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, कॉमा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। दोनों वैल्यूज नोट कर लिए। नाउ गिवन एग्जांपल, कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 दैट इज इक्वल टू, कॉस 45 का वैल्यू पहले लिखो 1/√2 और उसका स्क्वायर, प्लस साइन 30 का वैल्यू पहले लिखो 1/2 और उसका स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 4 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, 4 2 8 एंड दैट इज इक्वल टू 6/8। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 2 3 एंड 2 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर 3/4 एंड दैट मींस वंस अगेन फाइनल आंसर वी कैन राइट cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3/4। चलो इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। चलो अब एग्जांपल 6 करते हैं। एग्जांपल 6 इज cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहां पर हमें 4 वैल्यूज लगेंगी, कॉस 60, कॉस 30, साइन 60, साइन 30। तो चारों वैल्यूज हमें टेबल से मिल जाएंगी और फिर उसका यूज करके हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर कॉस 60 का वैल्यू हमें मिलेगा 1/2। नेक्स्ट कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉमा साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इस तरह से चारों वैल्यूज हमने नोट कर लिए। नेक्स्ट नाउ गिवन एग्जांपल इज कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस 60 इज 1/2,
इंटू कॉस 30, कॉस 30 इज रूट 3/2 प्लस साइन 60 दैट इज रूट 3/2 इंटू साइन 30 इज 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उनके फाइनल एडिशन करेंगे। तो इधर मल्टीप्लिकेशन आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इधर भी आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी, ये रूट 3 प्लस रूट 3 दैट इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो दैट इज 2 1 2 2 2 4 यानी रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर वी कैन राइट cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30 is equal to root 3 upon 2। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ये टेबल के वैल्यूज का यूज करके पूरा काम किया। इसके बाद क्वेश्चन 3 हम करने वाले हैं, उसमें हमें जो हमने पहले 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें से जो लास्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 उसका यूज करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में। तो चलो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा। यानी यहां पर हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे सम्स में हमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया है बेसिक में इसका यूज करना होता है। तो इसका यूज करके हम आंसर लिखेंगे। चलो क्वेश्चन 3 के लिए आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 पहले लिखेंगे गिवन, गिवन इज साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। सो टू फाइंड इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आंसर फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू हमें दिया है, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर आएगा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 16/25 आरएचएस में ट्रांसफर करो। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 9/25। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा एंड देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से साइन थीटा हमें दिया था, कॉस थीटा फाइंड करना था, कॉस थीटा मिल गया 3/5 और हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज इफ कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 और हमें फाइंड करना है साइन थीटा, टू फाइंड साइन थीटा। फॉर्मूला यही यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर अभी साइन फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 15/17 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर
225 अपॉन 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू 1। अब ये टर्म आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225 अपॉन 289। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 289 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 289। नेक्स्ट 289 माइनस 225 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगी 64 अपॉन 289। तो ये साइन स्क्वायर का वैल्यू हमें आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का, हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा एंड देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 289 का स्क्वायर रूट 17। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 17। तो यहां पर हमें कॉस थीटा दिया था, साइन थीटा फाइंड करना था, तो ऐसे सिचुएशन में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और हमें आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 17। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने कंप्लीट कर लिए। अभी क्वेश्चन 1 बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।